हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रदीव। दिस इज उपासना सिंह और आज हम अपने जावा ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जानने एक्सेप्शन हैंडलिंग के चैप्टर के बारे में, जिसमें हम उसके पार्ट 2 में थे। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्शन जान लिया, फिर एक्सेप्शन ऑफ हैंडलिंग भी जान लिया, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन भी जान लिए, ट्राई कैच फैनली ब्लॉक भी जान लिया और इस वाले पार्ट में हम जानेंगे थ्रोज एंड थ्रो कीवर्ड के बारे में, फिर हाउ टू क्रिएट अवर कस्टम एक्सेप्शन क्लास और फिर डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर्स। तो चलिए आते हैं हमारे पार्ट 2 के फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इसके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जावा थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन इनसाइड द फंक्शन और द ब्लॉक ऑफ कोड। जावा का जो हमारा थ्रो कीवर्ड होता है वो हमारे एक ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब हमारा जो एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है उसके अंदर हम वहाँ पे जाके थ्रो कीवर्ड का यूज करके कोई अगर हम अपनी पर्टिकुलर एक्सेप्शन या फिर अपनी मेन क्लास जो एक्सेप्शन है उसको थ्रो करना चाहे तो हम उस मेथड के अंदर वो थ्रो कीवर्ड यूज करके थ्रो कर सकते हैं। थ्रो इज यूज विद इन द मैथड। थ्रो जो है हमारे मैथड के अंदर भी यूज किया जाता है। वी आर अलाउड टू थ्रो ओनली वन एक्सेप्शन एट अ टाइम। एक थ्रो कीवर्ड जब हम यूज करेंगे तो उसके साथ हम सिर्फ अपना एक ही एक्सेप्शन क्लास थ्रो कर सकते हैं। हम मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड यूज करके नहीं थ्रो कर सकते। जैसे कि आप नीचे सिंटैक्स देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया एंड यहाँ पे मैंने थ्रोज का यूज किया। थ्रोज का हम एग्जाम्पल नहीं देख रहे तो आप इसको साइड में हटाओ। हम यहाँ थ्रो वाला दिखा रहे हैं। मैथड का ये बॉडी दिख रही है आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंड इसके अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, थ्रो न्यू फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन जो थ्रो हो रही है थ्रो कीवर्ड का यूज करके हो रही है। तो एग्जैक्टली हम अपने थ्रो कीवर्ड का यूज करके इस तरह से एक्सेप्शन थ्रो करते हैं एंड अगर हमें अपने मेथड के अंदर कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो करनी है तो इस सिंटैक्स का यूज करके थ्रो कर सकते हैं। फिर आते हैं हम थ्रोज पे। जावा थ्रोज कीवर्ड इज यूज्ड इन द मेथड सिग्नेचर टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन व्हाइल माइट बी थ्रो बाय द फंक्शन व्हाइल द एक्सेप्शन ऑफ द कोड। ओके, जावा का जो हमारा थ्रोज कीवर्ड होता है ना, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमने मेथड के सिग्नेचर के साथ, मतलब ये हमारा मेथड लिखा हुआ है, जब हम अपना मेथड लिखते हैं तो मेथड का हमारा जो मेथड सिग्नेचर होता है उसी के साथ हम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रिंट टू कंसोल करके एक मेथड लिखा एंड उसके साथ मुझे लगा यहाँ पे क्या कुछ एक्सेप्शन आ सकता है तो मैंने वहाँ पे थ्रोज करके वो एक्सेप्शन डिफाइन कर दिया एंड इसके साथ आप यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन डिफाइन कर सकते हो। तो थ्रोज कीवर्ड का यूज करके जब हम मेथड सिग्नेचर में अपना एक्सेप्शन डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा है यहाँ पे वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शंस यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। तो हम अपने मल्टीपल एक्सेप्शंस थ्रो कर सकते हैं थ्रोज कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ एक या एक से ज्यादा अपने एक्सेप्शंस को थ्रोज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिंगुलर है तो हमारा सिर्फ एक ही एक्सेप्शन हम थ्रो कर सकते हैं और ये मेथड के अंदर होता है और ये मेथड के सिग्नेचर के साथ। सो आई होप आपको थ्रोज एंड थ्रोज थ्योरेटिकली समझ में आ गया हो। अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने पार्ट 1 के लेक्चर में ये प्रोग्राम लिखा था एंड अब हमें इसका यूज नहीं है तो मैं इसको अभी हटा देती हूँ एंड हमारा ये मेन मेथड खत्म हो रहा है। इस मेन मेथड के बाद मैं अपना एक अलग से एक मेथड लिख रही हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आप एग्जांपल लिखा है अपने थ्रो कीवर्ड का एंड मैंने यहाँ थ्रो करके अपना एक अर्थमैटिक एक्सेप्शन को प्रिंट करवाया एंड मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे नंबर इज नॉट वैलिड प्रिंट हो जाना चाहिए, जो कि हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। अब अगर हमने इसको सही नंबर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं दे रही हूँ एंड सही नंबर दे रही हूँ, तो क्या होगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, कोई एक्सेप्शन नहीं आई और हमारा कोड सही से चल गया। अब आगे हम थ्रोज का एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का एक एग्जांपल आपको शो किया है। थ्रोज कीवर्ड के यूज़ से मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया डिवाइड नम नाम का। यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज़ उसको पास कराई कि मेथड जब हम कॉल करेंगे यहाँ पे दो वैल्यूज़ पास करी हुई। पहली में एम में आया 45 और एन में आया 0। एंड उसके बाद जब आप जानते हो 45 से 0 डिवाइड किया तो ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्रिएट हो। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में मैंने मैसेज प्रिंट कराने को कहा था नंबर कैन नॉट डिवाइड बाय 0 एंड उसी हिसाब से कैच में आया और इसने मैसेज हमारे लिए प्रिंट करा दिया। मगर अब मैं यहाँ पे अगर 3 करूँ तो ये ना ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा और मैं हमारा जो कोड है उसी से रन भी हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा एग्जांपल हुआ थ्रोज कीवर्ड का। एंड जैसे कि आपने यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे थ्रोज का इस्तेमाल करके एक अपना अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया। एंड इसी तरह हम यहीं पे अगर हमें लगता है कि एक से ज़्यादा एक्सेप्शन आ सकते हैं तो हम यहाँ पे वो भी थ्रो कर सकते हैं कॉमा देख के। एज सिंपल आप देख सकते जैसा कि आपने देखा अर्थमेटिक एक्सेप्शन के साथ साथ मैंने थ्रोज कीवर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पे नल पॉइंट एक्सेप्शन भी थ्रो कर दिया। बट जब हम केवल थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ हम वहाँ पे अचीव नहीं कर सकते। बट अगर हम थ्रोज का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक टाइम पे मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन क्लास। हमें अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लास अगर क्रिएट करनी होगी तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करने होंगे। क्रिएट अ क्लास एंड यूज एक्सटेंड कीवर्ड टू एक्सटेंड अ एक्सेप्शन क्लास। मतलब हमें कोई भी अपनी क्लास क्रिएट करनी होगी एक नॉर्मल क्लास एंड वहाँ पे फिर हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके अपने एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करना होगा और फिर वहाँ पे अपने नीड के हिसाब से अपनी बॉडी में कोड लिखना होगा। मतलब यहाँ पे पहले हमें सिर्फ अपनी एक नॉर्मल क्लास क्रिएट करनी होगी एंड उसके बाद एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके हमें एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर देना होगा। और यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके सिर्फ एक्सेप्शन ही नहीं अपने कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन का जैसे कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंट एक्सेप्शन हो गया या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, कोई अपनी पर्टिकुलर एक्सेप्शन क्लास भी यहाँ पे हम अपना एक्सटेंड करके अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं एंड हमारी कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये लिखा है एक क्लास क्रिएट करी रॉन्ग फाइल नेम एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड करा दिया और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और फिर मैं अब जहाँ चाहूँ अपना रॉन्ग फाइल नेम एक्सेप्शन क्लास का इस्तेमाल करके अपने इस कस्टम एक्सेप्शन क्लास का यूज कर सकती हूँ। चाहे थ्रो का यूज करूँ, चाहे थ्रोस का, चाहे तो ट्राई कैच में। जब हम कैच में एक्सेप्शन को कैच करते हैं तो वहाँ पे भी हम पर्टिकुलर अपनी वो एक्सेप्शन क्लास जो कि हमने अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लास यहाँ पे क्रिएट करी उसको भी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो आई होप जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स का यूज होता है। कंस्ट्रक्टर के टॉपिक पे स्पेसिफिकली अलग से वीडियो क्रिएटेड था तो आप वहाँ अगर कोई भी डाउट हो आप उसको भी एक बार रेफर कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट हो तो कंस्ट्रक्टर के उस टॉपिक के वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। एंड आपको कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाने में अभी भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर्स। एक्सेप्शन और एरर्स में स्पेसिफिकली क्या डिफरेंस होता है। सो जैसे कि एक्सेप्शन तो आपने अभी तक समझा। एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एक्सेप्शन ऑफ द प्रोग्राम एंड इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। दीज आर द एरर्स दैट अकर एट द कंपाइलर एंड रन टाइम। एक्सेप्शन एक तरह का इवेंट होता है जो कि तब आकर होता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और उस एग्जीक्यूशन में बीच में वो इंटरप्शन ला देता है। मतलब हमारा जो नॉर्मल फ्लो है हमारे प्रोग्राम का उसमें रुकावट ला देता है। These are the errors that occur at compile and runtime. ये जो errors होते हैं compile time या runtime में occur होते हैं. It occurs in the code written by the developers. ये जो code लिखा जाता है developers के द्वारा उसी में occur होते हैं. It can be recovered by using try catch block and the throws keyword. इसको हम लोग recover कर सकते हैं या तो try catch block का use करके या फिर throws keyword का use करके. There are two types of exception that is checked and unchecked. हमारे पास दो तरह के exceptions होते हैं checked और unchecked. फिर आता है errors. एरर्स क्या होते हैं? देयर आर द प्रॉब्लम्स दैट आर मेनली अकर ड्यू टू द लैक ऑफ द सिस्टम रिसोर्स. ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सिस्टम की कमी की वजह से अकर होती हैं. इट कैन नॉट बी कॉल्ड और हैंडल. इनको ना ही हम पकड़ सकते हैं ना ही हैंडल कर सकते हैं. इट इंडिकेट्स अ सीरियस प्रॉब्लम. ये एक तरह की हमारी सीरियस प्रॉब्लम होती है. एंड इट अकर्स एट रन टाइम. ये रन टाइम पे ही अकर होती हैं. दीज आर ऑलवेज अनचेक्ड. ये हमेशा ही एक तरह के अनचेक्ड ही होती हैं. एन एग्जाम्पल ऑफ एरर्स आर आउट ऑफ मेमोरी एरर. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे एरर्स के ऐसे हैं आउट ऑफ मेमोरी एरर, लिंकेज एरर, एसर्शन एरर एक्सेट्रा आर द सब क्लासेस ऑफ द एरर क्लास. ये हमारी सब क्लासेस होते हैं एरर क्लासेस के. सो आई होप आपको एक्सेप्शन का ये चैप्टर सही से समझ में आया हो. कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा. चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड गाइज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको हर वीडियो में बोला है. ये वीडियो एक जावा टू राइट प्लेलिस्ट का पार्ट है जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 22 से भी ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं. तो अगर आपको पीछे से कोई भी टॉपिक रिफ़र करना हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं. एंड इस वीडियो का भी मैंने एक पार्ट 1 क्रिएट किया था तो प्लीज़ पार्ट 1 भी विजिट कर लीजिएगा ताकि एक्सेप्शन के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत ना हो. एंड जावा टू राइट इस प्लेलिस्ट में भी अगर पहले के लेक्चर्स भी रिफ़र करेंगे या फिर स्टार्ट से एंड तक के लेक्चर्स रिफ़र करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. एंड गाइस शुरू से लेकर अभी तक किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स हो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. आप वहाँ पे भी जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. थैंक यू.